दोस्तों आप सभी को और एक बार हमारा चैनल में स्वागत। आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि ये जो सोलेनोइड वाल्व कैसे चेंज करना है, क्योंकि ये सोलेनोइड वाल्व जो है वो लीक कर रहे हैं, वो इंटरनली वो ख़राब हो गया, वो नया लगाने जा रहे हैं आप लोग। सबसे पहले सिस्टम को पंप डाउन करना है। लिक्विड रिसीवर है, लिक्विड रिसीवर का जो आउटलेट वाल्व है हम इसको बंद कर दिया। बंद करके इसको 0 PSI में पंप डाउन करना है। पंप डाउन करने के बाद इसका जो सोलेनोइड वाल्व का जो आउटलेट वाल्व इधर लगे हुए हैं इसको हमको क्लोज करना है। इसको क्लोज करके फिर हम इसको चेंज कर देंगे। ये अभी आप लोग देख सकते हैं इसका प्रेशर अभी 0 की तरफ आ रहा है, 2 PSI है, कट ऑफ हो गया सिस्टम। सबसे पहले ये जो सोलेनोइड कॉइल जो निकालने के लिए इसका अंदर लॉक है, अब इसको टाइट डाल के इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, ये आराम से निकल जाएगा। कॉइल हमने निकाल दिया, अभी इसको हम लोग इसको एडजस्टेबल से इसको चेंज कर लेते हैं, इसको निकाल के चेंज कर लेते हैं। ओके, अभी हम लोग नया कॉइल वाल लगाने जा रहे हैं। वो लगाने से पहले आपको सबसे पहले उसका डायरेक्शन देखना है। डायरेक्शन फ्लोर डायरेक्शन जब भी हो इवापोरेटर की तरफ आना चाहिए, वही सबसे इसको लगाना चाहिए। ये जब लगाएंगे दोनों साइड में एडजस्टेबल डाल के आप लोगों को उसको टाइट करना है। अदरवाइज़ क्या है कि ये पाइप जो भी लिक्विड है वो ट्विस्ट होने का चांसेस ज़्यादा है। अभी हमने नया कॉइल वाल लगा दिया, अभी इसके ऊपर हम लोग कॉइल माउंट करेंगे। जब भी कॉइल डालेगा जो डनफोर्स का रहेगा उसको अच्छी तरह से प्रेस करना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते इसके अंदर एक होल्डिंग पॉइंट है, ये जाके इसमें होल्डिंग होएगा, उस टाइम टक क्लक एक आवाज़ आएगा। इसका मतलब समझो कि ये कॉइल होल्ड हो गया, अदरवाइज ये हीट होके जलने का चांसेस ज़्यादा है।